नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। ध्यान एकमात्र सफलता की कुंजी है। जीवन में जो बड़ी बड़ी सफलताएं आपको मिलती है ना, वो पता है किसकी वजह से मिलती है? सिर्फ और सिर्फ ध्यान की वजह से। ध्यान को आपने कई तरह से समझा होगा, मेडिटेशन करना है, आंख बंद करनी है, मंत्र जपना है। ध्यान बहुत ही विस्तृत विषय है, इसे हजारों लाखों तरह से हमें समझना चाहिए। जितना ज़्यादा हम ध्यान को समझ लेंगे, जितना ज़्यादा हम ध्यान में डूब जाएंगे, उतने ही ज़्यादा हम कामयाब हो सकते हैं। ध्यान का मतलब क्या होता है? किस जगह आपका ध्यान जा रहा है, कहाँ आपका ध्यान जा रहा है, इसको जरा गहराई से समझना। अगर आपका ध्यान खुशियों पर है तो जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, अगर आपका ध्यान दुखों पर है तो जीवन में दुख बढ़ेंगे, अगर आपका ध्यान नफरत पर है तो जीवन में नफरत बढ़ेगी, अगर आपका ध्यान प्रेम पर है तो जीवन में प्रेम बढ़ेगा, अगर आपका ध्यान धन पर है तो जीवन में धन बढ़ेगा। तो जरा ऑब्जर्व करना 24 घंटे कि हमारा ध्यान रहता कहाँ है। तो सच बात तो यह है कि हमारा ध्यान हमेशा कहाँ रहता है? नकारात्मक बातों की तरफ रहता है। वो नकारात्मक बातें कौन सी हैं? उसके पास मेरे से अच्छी गाड़ी क्यों है? उसे इतनी जल्दी सफलताएं क्यों मिलती हैं? मैं जिंदगी में फेल्यूर क्यों रहा? मैं बहुत सारे पैसे क्यों नहीं कमा पाया? मेरी तबीयत हमेशा खराब क्यों रहती है? ध्यान कहाँ पर है? हमेशा नकारात्मक बातों की तरफ ध्यान है। तो क्या होगा? नकारात्मक चीजें ही जीवन में बढ़ेंगी। जीवन का एक सिंपल नियम है, जिस चीज की तरफ ध्यान दो वही चीज जीवन में बढ़ने लगती है, जिसकी तरफ ध्यान मत दो वही चीज जीवन से कम होने लगेगी। जैसे आपका कोई दोस्त है, आप उसी की तरफ कभी ध्यान ही मत दो। वो आपसे बोलता रहे, बातें करता रहे, आप उसकी तरफ कभी ध्यान ना दो। वो आपको टेक्स्ट मैसेज भेजे, आप उसकी तरफ ध्यान मत दो। व्हाट्सअप करे, आप ध्यान मत दो। वो कुछ भी करे, आप ध्यान नहीं दो। क्या होगा? एक दिन वो दोस्त आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर कोई दूसरा दोस्त है, वो आप उसका बहुत ध्यान रखते हो, उसको हाय हेलो बोलते हो, उसको मैसेजेस करते हो, उससे हमेशा टच में बने रहते हो, तो वो दोस्त आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। यानी जिस चीज़ पर ध्यान दिया था उसे हमने जीवन में बढ़ाया, जिस चीज पर ध्यान नहीं दिया था उसे हमने जीवन से मिटाया, गवाया, खत्म कर दिया। तो क्या करना है? ध्यान का ध्यान रखना है। इस लाइन को बहुत गहरे से समझना। ध्यान का ध्यान रखना है कि ध्यान कहाँ है। ध्यान वहां रखिए जो आप जिंदगी में चाहते हो, ध्यान में उसे रखिए जो आप जीवन में लाना चाहते हो, ध्यान में उसे रखिए जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो, ध्यान में उसे मत रखिए जिसे आप गंवाना चाहते हो, ध्यान में उसे नहीं रखिए जिसे आप नहीं पाना चाहते, ध्यान में वो चीज मत रखिए जो आप चाहते नहीं कि आपके जीवन में प्रकट हो। ये मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में समझाया, लेकिन इस वीडियो की आत्मा को समझने के लिए आपको कई बार इसे देखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां चला गया। हमें तो ध्यान ही नहीं रहता कि हमारा ध्यान कहां है। ऐसा हो जाता है कि बारिश बंद हो गई और फिर भी हम छतरी लिए चले जाते हैं, और कोई हमें याद दिलाता है, अरे बारिश तो बंद हो गई, छाता क्यों खोल के रखा? फिर बोलते, अरे वो ध्यान ही नहीं रहा, वो ध्यान था कहां, ध्यान कहीं और था। ऐसी कितनी चीजें जल्दबाजी में भूल जाते हैं और हमारा ध्यान कहीं और रहता है, जबकि रहना कहाँ चाहिए? रहना वहाँ चाहिए जहाँ हम हैं। सड़क पर चल रहे हैं तो सामने होना चाहिए, गाड़ी चला रहे हैं तो सामने रोड पर होना चाहिए। दरअसल मुश्किल ये थी कि हमारा ध्यान वहाँ कभी नहीं था जहाँ उसे होना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ वो होता वहाँ उसे होना चाहिए तो हम न जाने कहाँ होते, फिर हम वहाँ होते जहाँ हम चाहते हैं कि हमें वहाँ होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मन के बेलगाम घोड़े को ध्यान की लगाम से कसकर निर्धारित दिशा में दौड़ाना पड़ेगा। तो बस सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि मेरा ध्यान कहाँ है। क्या मेरा ध्यान खुशियों पर है? क्या मेरा ध्यान स्वास्थ्य पर है?
क्या मेरा ध्यान अच्छी बातों पर है या फिर मेरा ध्यान चिंताओं दुख पर है, नकारात्मक बातों और मुसीबतों के चिंतन करने में। तो बस इतना सा ही ध्यान रखना है, फिर देखना जिंदगी आपका कितना ध्यान रखेगी। ये सूत्र बड़े सरल है, रहस्यमय है, आसान है जीवन में उतारने, कुछ बहुत मुश्किल बातें नहीं है। और मुझे लगता है आप ये सारी बातें बड़ी आसानी से समझ लेते होंगे और जीवन बदलने लगेगा बड़ी रफ्तार से। अच्छे लगते हो मेरे वीडियोस तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते रहें। वैसे मेरे वीडियोस हर रोज ही अपलोड होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना समय देते हैं मेरे वीडियोज़ देखने के लिए।